जैसा कि आपको पता है कि एयरटेल वालों ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। लगभग कई लाख बैंक अकाउंट, एयरटेल बैंक जो एयरटेल कंपनी चलाती है, आपके बिना कोई इन्फॉर्मेशन का उन्होंने आपका बैंक अकाउंट खोल दिया है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और इसके लिए आप क्या करिएगा, आप क्या देख सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। हे गाइस, दिस इज सब्बीर एंड यू आर वॉचिंग अप्रेसिस जोन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पहले जान लेते हैं कि देखिए, बहुत पहले मुद्दा ये उठा था कि आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक जो लिंकिंग स्टेटस से रिलेटेड बहुत सारा मुद्दा उठा था, पॉलिटिकल इशू था कि ये सेफ नहीं है, ये सेफ है, ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, तमाम बातें असेंबली में उठा था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स में भी चला था। लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, इसी वजह से हम जब अपना सिम कार्ड लेने गए एयरटेल का, तो वहाँ पर ये हमारा बायोमेट्रिक टेस्ट होने के बाद हमको सिम दिया गया, हमको सिम अलॉट किया गया, और उसके बाद मेरा बिना इन्फॉर्मेशन का आधार कार्ड एयरटेल बैंक वालों ने हमारे आधार कार्ड का डिटेल लेकर एयरटेल बैंक में खाता भी खोल दिया। और जैसा कि आपको पता है कि आपका सब्सिडी वगैरह जो है, जो लेटेस्ट आधार अपडेट होता है, उसी में जाता है। तो इस दौरान लगभग 23 लाख के आसपास मतलब आधार का घपला हुआ है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो आधार कार्ड का जो डिटेल है, हर एक कंपनी के पास चले जाता है, और आपका जो बैंक से लिंक्ड है, जो सब्सिडी आपको मिलता है, वो कोई दूसरा लूट रहे हैं। तो इस तरह का रीजंस है, इसको और भी ज़्यादा सिक्योर करना ज़रूरी है। अगर सिक्योर नहीं हुआ तो हमारा और आपका डेटा इसी तरह से बाजार में नीलाम होता रहेगा। लोग तो आज देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो आप अपना आधार कार्ड कहाँ कहाँ ऑथेंटिकेट किए थे, कहाँ कहाँ अब किस किस वक्त आपने आधार कार्ड में ये करवाया था, क्या उसमें एक्टिविटीज हुआ था, उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले ये तो हमारा साइट्स है, अगर आप यहाँ पर ही जाके सब्सक्राइब कर लेते हैं अपना ईमेल आईडी देके, तो हम जो भी अपडेशन करते हैं हम अपना ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट कर लिए अभी तक अगर नहीं किए हैं, जिसने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम गूगल में चलते हैं, वहाँ पर ही हम सर्च करते हैं आधार, आधार लिख के सर्च करिए, तो जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको जाना होगा। जाने के बाद ये आपके सामने ये ऑफिशियल साइट खुल जाता है, और यहाँ पर देखिए आधार सर्विस का एक ऑप्शन मिलता है। आधार सर्विस का ऑप्शन में आपको देखिए, उसी का नीचे आपको सबसे नीचे आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है, आपने कहाँ कहाँ ऑथेंटिकेट किया था उसका हिस्ट्री आप जान सकते हैं, जब से आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक बा लिंकिंग जहाँ जहाँ किया था। तो इससे रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सिर्फ घर बैठे हुए, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए, हाँ करने का मैंने क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आप इसमें आपका टोल फ्री नंबर आपका जो मिलता है उसमें जाकर बोल सकते हैं ये क्या है, कितना दूर तक आपको सक्सेस मिलेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन चलिए, तो फिलहाल हम लोग इसको ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करके हम अपना इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ही पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमको अपना इन्फॉर्मेशन देना होगा, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा है, तो चलिए हम आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे देते हैं। और नीचे में सिक्योरिटी दे देते हैं, और यहाँ पे गेट ओटीपी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने और एक पूछ खुलेगा, यहाँ पर ही बता दे रहा है कि आप कब से कब डेटा लेना चाहते हैं, ओटीपी का लेना चाहते हैं या बायोमेट्रिक का लेना चाहते हैं या डेमोग्राफी का लेना चाहते हैं। तो फिलहाल हम ऑल रखने देते हैं, और यहाँ पर ही हम अपना टाइम सेट कर लेते हैं, मैंने कब से कब तक देखना है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया है आप यहाँ से ले लीजिए, जहाँ जब से हमारा ये हुआ हम तब से ले लेते हैं, अभी तक का डेट का ले लेते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड अब लिख दीजिए 50 या 60 या 100 लिख दीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम 150 आपको देना ही है। अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, तो सबसे पहले आप ओटीपी देख लीजिए, ओटीपी देने के बाद ये यहाँ पर आप पुट कीजिए।
अब यहाँ पे हम सबमिट में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पेज खुलेगा, उस पेज में हमको बता दिया जाएगा कि हमने अपना डेटा कहाँ, हमने अपना आधार कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। तकरीबन 23 ठो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ से आपको देख लीजिए UKYC कहाँ कहाँ, बायोमेट्रिक, UTP कितना बजे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस आपको हेड्स बता दे रहा है, इस जगह में आपने आधार कार्ड को लिंक करवाया था या OTP वगैरह आपको आया था, मतलब जो भी डिटेल है आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा, इससे आप देख सकते हैं। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट आप आधार कार्ड का हिस्ट्री को देख सकते हैं कि आपने वहाँ कैसे कैसे ऑथेंटिकेट करवाया था मेथड ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर इम्पोर्टेंट है तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से छोटे बड़े न्यूज़ पाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।